हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों कैसे हैं आप लोग जी हाँ दोस्तों सुबह वीडियो नहीं दिया क्योंकि अभी लगता है कि वीडियो जब भी बनाना चाहिए जब हमारे पास कोई वाकई बहुत इंपॉर्टेंट बात हो तो अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करेंगे दोस्तों तो वीडियो में आखिर तक मेरे साथ बने रही तो मैं शाहिनी हसन आपके दोस्त आपके लिए बहुत सारे अपडेट्स हैं जो कि दिए घुसमिंदर सन है और नीरज सन है तो उन पर बात करेंगे और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारे अपडेट्स आपको प्रॉपर मिल जाएँ अभी दोस्तों बहुत सारे सवाल आ रहे हैं ओ मेल को लेकर बहुत सारे लोगों का ओ मेल नहीं खुल रहा है किसी का कल मेरे पास आया था मैम आप प्लीज़ कर दीजिए तो ऐसा आप लोग परेशान मत होइए बिल्कुल भी पैनिक मत होइए है गुस्में तो सर ने कहा है ना कि सबको साथ ले चलेंगे किसी फाउंडर को अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है अभी शुरू करते हैं कि सबसे पहले तो हम लोग यूज़ कर रहे हैं दोस्तों ओ फाउंडर आने वाले टाइम में हम ओ मेल यूज़ करेंगे और जो लॉग के बदले में जो आपको मिलेगा वो ओ मिल जाएगा और ओ में ही जाके आपको अपने ओ फाउंडर का पासवर्ड वहाँ पर पा टाइप करना है तो आपका लॉग हो जाएगा एक चीज़ और दोस्तों अगर जिन लोगों ने पहले से ओ मेल पर अपनी आईडी बना रखी है क्योंकि काफ़ी पहले भी जब चेंज चेक करने के लिए हम लोगों ने कहा था तब भी काफ़ी लोगों ने बना ली थी इनफैक्ट मैंने भी बना रखी थी तो अगर कोई चेंज करना चाहता है तो वो उसको वहाँ पर अपना ओ मेल नया भी बना सकता है किसी भी नाम से बना सकता है ये मैटर नहीं करता कि आईडी जो है मान लीजिए बच्चे के नाम की है तो आप अपने नाम से भी ओ मेल की आईडी बना सकते हैं ओके दोस्तों अभी तक भी बहुत सारे लोगों ने एन साइन नहीं किया है तो प्लीज़ अपने एन को साइन कीजिए लॉग इन कीजिए और एन साइन कीजिए और ऑन पैसिव बिजनेस सॉल्यूशन के बारे में बताया गया कि बहुत ही केयरफुली आपको उसको यूज़ करना है अभी आप धीरे धीरे बैक ऑफिस में बने रहें तो आपको धीरे धीरे सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे और ऑन पैसिव जो एक ट्रेडमार्क बन चुका है जो कि कोई कॉपीराइट नहीं कर सकता कोई बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि नाम चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पर वो भी नहीं होगा और ऑन पैसिव के अब जो एडवर्टाइज़मेंट दोस्तों शुरू होने वाली है ना उसके लिए एक चीज़ और बोलिए लोग क्या कर रहे हैं आजकल के एग्जीबिशन लगा रहे हैं और वहाँ पर ऑन पैसिव के पोस्टर्स लगा रहे हैं बैनर्स लगा रहे हैं ऐसा आपको नहीं करना है विदाउट कंपनी की परमिशन आप ऐसा कुछ भी मत करिए कि, कि, किसी कहीं एग्जीबिशन लग रही है तो आपने वहाँ पर कि भाई मैं अपना प्रमोशन कर दूँ अपने लिंक का प्रमोशन कर दूँ ऐसा नहीं करना है जब तक कि हमारे पास कोई भी कंपनी की परमिशन ना हो दोस्तों आप सबको पता है कि अभी हमारे पास ओ मीडिया आने वाला है जो कि बहुत ज़्यादा शार्प है और वो ये सारी चीज़ें हैंडल करने वाला है और डॉक्टर सोहा ने भी कहा कि सोशल मीडिया पर जो है बहुत नज़र रखी जा रही है ऑन पासिप को लेकर के और क्योंकि हम लोग दोस्तों इस वक्त जो बढ़ रहे हैं वो बिल्कुल ग्लोबल लॉन्च की तरफ बढ़ चुके हैं क्योंकि ये सारा एक प्रोसेस है और ये प्रोसेस के थ्रू हम चल रहे हैं और उसके साथ ही साथ दोस्तों आने वाले टाइम में अब जो हमारे पास आने वाले कुछ फ्री प्रोडक्ट्स आएंगे कुछ पेड प्रोडक्ट्स आएंगे जैसे कि एस ने भी कहा कि 80 परसेंट लॉग इन साइनअप करिए मार्केटिंग कंपैन शुरू होने वाला है और हमारे लिंक जो है वो मार्केट में आने वाले हैं तो आप अपने अपने लिंक के साथ जो है आप लोग बिल्कुल रेडी रहिए अब दोस्तों सब कुछ रेडी हो चुका है आप लोग भी रेडी हो जाइए तभी हमारी जो मार्केटिंग कंपेन है वो स्टार्ट होगा फिर वही बात दोस्तों जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो भी कम्युनिकेशन होगा रिगार्डिंग फॉर चेंजेस एंड ऑल वो सारा कुछ सारा आपको बैक ऑफिस में मिलेगा तो बार बार बात होती है बैक ऑफिस बैक ऑफिस तो उस पर आप पूरा अपना फोकस रखें साथ ही साथ बताया कि नो ई के आपको बिल्कुल भी अभी उसके लिए पैनिक नहीं होना है क्योंकि अभी उसकी कोई ज़रूरत नहीं है कल जब बैंक में पैसा डालेगा तो आप सभी के बैंक में आपका के ऑलरेडी डन होगा तो वहां पर भी आपको आई थिंक कोई इशू नहीं आना चाहिए उसके बाद दोस्तों नीरज ने भी बताया कि देखिए ब्रांड अम्बेसडर आप लोगों को बोला गया है तो ये बहुत बड़ी बात है किसी भी कंपनी का ब्रांड अम्बेसडर ये आपका बिज़नेस है तो क्वालिटी ऑफ ब्रांड अम्बेसडर आपको मैंने बताई थी कि वो आपके लिए क्या है कि आपको अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी है अब आपका बिज़नेस है तो इनिशिएटिव तो लेना पड़ेगा अभी आप लोग जो अपना फोकस है वो बिल्कुल पूरी तरह से प्रोडक्ट्स पे रखिए पॉजिटिव थिंकिंग रखिए ऐसा नहीं बोलना है बहुत सारे लोग ये अब ओल्ड हो चुका है कि मेरा नाम शाहिन है मेरी इतनी टीम है मैंने जब ज्वाइन किया अब आपको जो बात करनी है दोस्तों कहीं पर भी वो आपको प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग बात करनी है ताकि हमारे प्रोडक्ट्स की हम मार्केटिंग कर सकें तो फॉलो द एथिक्स बोला गया कि अपनी कंपनी के जो रूल्स हैं जो सिस्टम है आप लोग उसको फॉलो कीजिए विदाउट परमिशन कोई भी काम मत कीजिए जैसा कि मैंने बार बार बोला कि डॉक्टर सोहा ने बोला है कोई भी बात आप लोग बोलने से पहले कम से कम हज़ार बार सोचिए क्योंकि आ, हर चीज़ के बारे में बोलने से पहले हमें सोचना चाहिए एक चीज़ है दोस्तों बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे ऑन पैसिव के अदर प्रोडक्ट्स से मैच करते हैं बट द थिंग इज़ इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप हमारे प्रोडक्ट्स को वहाँ कंपेयर करें कि ये ऐसा है और ये ऐसा है जैसे कि गूगल के साथ आप कंपेयर मत कीजिए ऑन पैसिव को या फिर जो बताया गया कि आप किसी भी प्रोडक्ट को यानी कि जूम के साथ आप ओ कनेक्ट को कम्पेरिजन मत कीजिए क्योंकि ओ कनेक्ट जो है या ऑन पैसिव के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं दोस्तों ऑल आर यूनिक अभी अपना फोकस ये भी क्लियर रखिए कि अब हम लोगों को जो है अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करना है क्योंकि अब हम लोग जैसे आय से ने कहा ना वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज बिल्कुल सही बात है आपका फोकस हटा और आपका जो काम है वो ख़राब हो जाएगा तो पिक अप द स्पेस और एन्जॉय द प्रोसेस बिल्कुल अपने प्रोसेस को एंजॉय कीजिए बहुत मज़ा आ रहा है दोस्तों आगे बढ़ते चले जा रहे हैं बहुत कम दिन रह गए अगर बात की जाए तो आप लोग जानते हैं जैसे डॉक्टर सोहा ने भी कहा कि अब वो कुछ एक्टिविटीज़ करने चाह रही हैं उसमें वो चाह रही हैं प्रेजेंटेशन बना रही हैं जिसमें कि उन्होंने बताया कि दुबई टीम जो है वो हैदराबाद जाने वाली है और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कोई भी लोग हमारे फाउंडर्स जो है हैदराबाद ऑफिस ना जाएँ क्योंकि ये आपको पता है इस वक्त बिल्कुल काम का टाइम है और बहुत ज़्यादा वर्क लोड है सभी के ऊपर तो वो लोग अपने काम के लिए वहां जा रहे हैं अपनी बिज़नेस बिज़नेस मीटिंग वहां पर होगी और बताया गया कि, कि फ़ीफा गेम जो है वो फाइनलाइज्ड हो चुका है और दुबई और हैदराबाद की टीम मिलकर जो है तो वो लोग जो है पूरी तरह से मिलकर के काम करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा होने वाला है दोस्तों अब सिर्फ और सिर्फ नौ दिन रह गए हैं जो बताया है कि डॉक्टर सोहा ने के कर्टन उठने वाले हैं तो वही वर्ड अगर हम यूज़ करेंगे आफ्टर नाइन डेज़ क्या होने वाला है आप सोच सकते हैं और नवंबर का मंथ दोस्तों हिस्टोरिकल बनने वाला है क्योंकि आने वाले अभी एंड ऑफ द मंथ तक जो है डेफिनेटली हम लोग कहने वाले हैं गुड बाय जूम और आफ्टर नाइन डेज आपको पता है वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा यानी कि इक्कीस तारीख से आई थिंक नवम्बर ट्वेंटी से जो है वर्ल्ड कप स्टार्ट हो रहा है और लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनको आपस गिरने वाले हैं सो प्रोसेस गो विद द फ्लो हमेशा कहते हैं ना गुस्मिंदर सिर जब भी आपकी ऑन पैसिव लॉन्च होगा तो दोस्तों दुनिया हिलने वाली है क्योंकि वर्ल्ड कप में ऐसी चीज़ें होने वाली हैं जो कि हर कोई देखेगा और देखता ही रह जाएगा ये भी कहा सविंदर सर ने कि ऑल साइड आपको हर जगह जो है ऑन पैसिव ही ऑन पैसिव नज़र आने वाला है क्योंकि एक मोमेंटम बिल्ड करा जा रहा है ऐसा नहीं कि मतलब बस आपने जो है बोल दिया कि ऐसा हो रहा है ऐसा नहीं है हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक है और लॉजिक और प्रॉपर तरीके से हर चीज़ प्रॉपर रेडी की जा रही है डाटा सेंटर्स के बारे में बताया कि हमारे पास दो डेटा सेंटर हैं अब कोई प्लीज ये मत पूछेगा कि डाटा सेंटर कहाँ कहाँ है बहुत सारे लोगों ने ये सवाल पीछे भी पूछा था जो लोग काम कर रहे हैं डाटा सेंटर पे, दे नोज के डाटा सेंटर कहाँ हैं और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ डैट कि हमें वहाँ से सर्विसेज मिल रही हैं दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है मोबाइल डाटा सेंटर की बात की गई उस पर भी वो भी बहुत ज़्यादा काम करने वाला है आने वाले टाइम में अब देखिए मार्केटिंग जब शुरू होगी दोस्तों तो आपको पता है एक्सपेक्टेशन क्या है कि एक टीवी चैनल्स पर जो है वो हमारा ऑन पासिव जो है वो दिखने वाला है थ्री वीडियोस स्पेशली बनाई जा रही हैं जिसके लिए और क्यों और दोस्तों यहाँ पर बताया गया कि ऑन पासिव आपको पता है हमेशा की तरह मैं बोलूँगी इट्स डन डील और ऐसी मार्केटिंग होगी दोस्तों जो कभी किसी ने आज तक देखी नहीं होगी उसके लिए नीरज सर ने बड़ा अच्छा वर्ड यूज़ किया गूज बम्स डेफिनेटली दोस्तों क्योंकि हमारे रोंगटे खड़े होने वाले हैं इतनी जबरदस्त मार्केटिंग होने वाली है ऑन पैसिव की एक दो बातें और कहीं घुस्विंदर सर ने बहुत ही अच्छी बात बताई कि देखिए पहले वर्ल्ड कप का एक वीडियो निकला था तो लोगों ने कहा कि ये क्यों निकला है जब मार्केटिंग होनी नहीं थी कुछ लोग ने बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट किए लेकिन दोस्तों आप सोचिए ये लोग डिस्ट्रप्टिव मार्केटर हैं ये लोग कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि मास्टर मार्केटर हैं इनका माइंड उस तरह से चलता है कि हमें अपनी मार्केटिंग करने के लिए क्या करना है तो बहुत ही अच्छे तरीके से ऐश ने ये मार्केटिंग की और आप देखिए पूरी दुनिया में धमाल मच गया था कि वर्ल्ड कप में स्पॉन्सरशिप है लेकिन दोस्तों के साथ ही साथ हमें मिली स्पॉन्सरशिप बींग स्पोर्ट्स की और अब आपने सरप्राइज जो वीडियो बना था बीइंग स्पोर्ट्स का आप लोगों ने वो भी देख लिया होगा कितना शानदार वीडियो बनाया है उसमें हमारी मार्केटिंग उन्होंने खुद से हमारा उसमें नाम डाला है, उन पास से वो वीडियो बहुत ही ज़्यादा निकल चुका है मार्केट में एक चीज़ का और ध्यान रखिए दोस्तों कोई भी प्रोडक्ट हमारा किसी से कंपैरिजन नहीं है जैसे मैंने आपको बताया तो ओ नेट को आप लोग एफ बी से कंपैरिजन ना करें साथ ही साथ ओ ट्रैकर के लिए बताया गया कि वन मंथ तक आपको ओ ट्रैकर फ्री रहेगा आफ्टर डैट उसका चार्ज लगेगा ओ प्ले के बारे में भी बताया वो भी विद इन अ मंथ हमें मिल जाएगा दैन उसके बाद ओ मीडिया जो है वो वर्क कर रहा है और साथ ही साथ इंडिया जो है अपना दिमाग ना लगाए किसी भी बात के लिए कि अब क्या होने वाला है या अब क्या होगा या ऐसा क्यों नहीं हुआ या ऐसा हमारे साथ होगा या आने वाले टाइम में हमें एकदम इतना पैसा आएगा पैसा तो देखिए दोस्तों हमेशा हम बात करते हैं बाय प्रोडक्ट हमें आना ही आना है उन पैसे में सो स्टेट यून फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही क्योंकि ये अपडेट्स बहुत अच्छे थे बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स थे जो मैंने आपसे यहाँ शेयर किए साथ ही साथ एक चीज़ और बोलूँगी आज आया हमारा लिंक नंबर नाइन्टी यानी कि न्यू वेबसाइट हमारी और है हमेशा की तरह बैक ऑफिस आप लोग ज़रूर विजिट कीजिएगा ताकि आप ये न्यू वेबसाइट देख सकें लिंक नंबर नाइन्टी टू और तो और दोस्तों आज है फ्राइडे और आपको पता है जो न्यू शेड्यूल हमारा बनाया वेबिनार्स का तो फ्राइडे में हमारा रहेगा ऑन पैसिव थ्री सिक्सटी जो कि पहले वेनसडे होता था लेकिन वो आज होने वाला है तो इंडियन टाइमिंग के हिसाब से आई थिंक साढ़े दस बजे रहेगा तो एक बार बैक ऑफिस में टाइम ज़रूर विजिट कर लीजिएगा उसका जो कि हमेशा की तरह रेड सर मार्टी सर और क्रिस सर लेते हैं तो यही थे अपडेट दोस्तों तो स्टेट यून फ्रेंड्स थैंक यू सो मच बाय बाय टेक केयर